सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सलाह के अनुसार मतदान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और सपा नफरत की बात करती है जिससे उनकी पार्टी सहमत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अराजकता और गुंडागर्दी से प्रदेशवासी परेशान रहे और इसी के चलते सपा आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव हारी है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ थे। उसका वजह था कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ना तो बैठक में बुलाया, ना डिनर में बुलाया, ना प्रेस वार्ता में बुलाया, ना उन्होंने वोट मांगा। और द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे वोट मांगा, यशवंत सिन्हा ने हमसे वोट नहीं मांगा और द्रौपदी मुर्मू जी को जिताने वाले लोग भी हमसे वोट मांगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, तो उस स्थिति में हम लोगों ने उनके विचारों को, उनके आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। नहीं, अब ये तो अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो अपनी सरकार में देख लें, दूसरे को कहने से पहले अपनी सरकार में देख लें। आज तो हम देख रहे हैं, मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन में था, वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के लोगों ने मुझसे, जब मैं वोट मांगने गया तो लोगों ने ये बात मुझे बताई कि हम लोग कम से कम नेताजी किस आधार पे वोट दें। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, गुंडे आकर के वो पैसे ले जाते थे। अब तो इससे हम लोगों को राहत है, इस नाते हम लोग, आप बहुत साफ़ सुथरा राजनीति करते, इस नाते आपसे कह रहा हूँ हम लोग वोट नहीं देंगे। तो ये राहत उनको मिली ना, इस नाते ना वो कह रहे हैं, जो कल तक समाजवादी पार्टी को लोग वोट दे रहे थे। सैकड़ों शिकायतें मिली आजमगढ़ के उपचुनाव में मुझे, जहाँ भी जाता हूँ, जमीन अवैध कब्जा करने का, किसी की जमीन है जबरी कब्जा कर लेने का, तो ये काहे को लोग वोट देंगे। आज दुर्गति का कारण यही है, वो पहले अपना ठीक करें, दूसरे के चक्कर में न रहें।